ये मैंने ऑनलाइन कुछ गैजेट्स परचेस किया है ना, माउस पैड मैंने परचेस किया, एक तो RGB वाला परचेस किया है, एक नॉन RGB। तो बेसिकली मैंने दोनों चीज़ें परचेस किया। मेरा ये फ्लोर थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो माउस पैड मेरा एक तो फ्रंट में आ सकता था और एक बैक साइड। नॉन RGB वाला माउस पैड को ओपन करते हैं। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो 200 rupees का पड़ा है। गेमिंग अनलिमिटेड की बैजिंग यहाँ मिलती है, एंटी स्पोर्ट का लोगो मिलता है, तो काफी बड़ा है यार। मतलब एक नॉर्मल PC सेटअप के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा RGB वाला माउस पैड। फाइनली ये आ गया बॉक्स MP400R। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 1100 rupees का पड़ा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उससे तो काफी ज्यादा बड़ा है। ये USB हब है और ये इसकी केबल अटैचमेंट के लिए। यहाँ से अटैच करेंगे और PCs कनेक्ट करके देखते हैं कैसा ब्लिंक होता है। तो गाइस फाइनली सेटअप लग चुका है और RGB की लाइट्स भी काफी ज्यादा क्लासी लग रही हैं। जो मिनी माउस पैड है उसको मैंने ले रखा है, इसको मैंने परचेस किया था 200 rupees का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोनों का फेवरेट थोड़ा सा अलग है। अगर गाइस आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब वाले बेल आइकन पर कुछ भी फेंक के मार के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। सो अब लास्ट में इतना बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।